हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो आज हम करेंगे एसे ऑन दशहरा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब दशहरा आने वाली है, तो हमें दशहरा के बारे में जानना भी तो ज़रूरी है ना। तो आज हम लोग इंग्लिश में एक एसे करेंगे ऑन द दशहरा। तो आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें, और अगर आपको ये एसे अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी कर दें वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हैप्पी दशहरा इन एडवांस टू एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन इज द दशहरा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। दशहरा हिंदूज का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ये कौन सा फेस्टिवल है बच्चों? ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है। सेकेंड लाइन हम लोग लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी। इसको हम विजयदशमी भी कहते हैं। विजयदशमी मतलब कि दशहरा। अगर आपसे कहे विजयदशमी क्या होता है कोई, तो आप कहेंगे दशहरा को कहते हैं। थर्ड लाइन लिखेंगे ऑन दिस डे, आज के दिन लॉर्ड राम किल्ड रावण। आज के दिन ही जो राम जी थे उन्होंने रावण को मारा था। थर्ड लाइन हमारी ये होगी। फोर्थ लाइन है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे ऑफ द शुक्ल पक्ष ऑफ अश्विन मन। इस लाइन में हमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो दशहरा फेस्टिवल है ये हमारे शुक्ल पक्ष में, जो कि अश्विन के मंथ में आता है, इसके 10वें दिन मनाया जाता है। फिफ्थ लाइन हम लोग लिखेंगे द दशहरा इज द फेस्टिवल ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। कि ये जो दशहरा है ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो दर्शाता है अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। सो सिक्स्थ लाइन हमारी क्या होगी दैट रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस डे। तो इस दिन दशहरा जो है, दशहरा में हमें रामलीला भी दिखाई जाती है। रामलीला क्या होती है? जितनी भी हमारी राम जी की पूरी कहानी होती है रामायण, उसको दिखाया जाता है ताकि हम भी कुछ सीख लें। और सेवंथ लाइन लिखेंगे ऑन दशहरा, दशहरा के दिन एफिजीज ऑफ रावण एंड कुंभकर्ण आर बर्न्ड। एफिजीज मतलब पुतले। तो आज के दिन जो पुतले होते हैं रावण के और कुंभकर्ण के, इनको जलाया जाता है और ये दशहरा मनाई जाती है। एट्थ लाइन हमारी होगी फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, द मार्केट्स आर डेकोरेटेड ऑन दिस डे। कि आज के दिन जो मेले लगते हैं, आप लोग मेले देखने जाते हैं? आज के दिन मेले लगते हैं, वहाँ रामलीला होती है, सब सजा होता है मार्केट, और वहाँ पे रावण और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। ये सब हमारा दशहरा में होता है। नाइन्थ लाइन, दशहरा इज अ हॉलीडे फॉर स्कूल एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस। कि दशहरा के दिन सब कुछ बंद रहता है। दशहरा के दिन हमारे स्कूल्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस भी बंद रहते हैं, आप सभी के स्कूल्स भी बंद होंगे। अब टेंथ लाइन आप लोग लिखेंगे दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ये फेस्टिवल इंडिया में तो सेलिब्रेट होता ही है बहुत धूमधाम से, और जो हमारी कंट्रीज है नेबरिंग, वो भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं, उन्हें भी ये फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों आपकी ये 10 लाइन्स थी ऑन द दशहरा और विजयदशमी। तो आप इस तरह से इन सभी लाइंस को पढ़ेंगे और फिर इन्हें लर्न भी करेंगे और जानेंगे कि दशहरा क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे है, क्यों मनाया जाता है। दशहरा किसका एग्जांपल है? ये अच्छाई की जीत है बुराई के ऊपर, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो आपने भी रामलीला देखी होगी, और अगर आपको हमारी ये स्पीच अच्छी लगी, ये ऐसे अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एसेज, डीओई वर्कशीट्स, चैप्टर्स एंड बहुत सारी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी दशहरा इन एडवांस।